हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आप सभी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, और अगर मैं सबको अच्छे से ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, एक बार फटाफट थम्स अप करके बता दीजिए, फिर हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच, एक दो बार मैंने 5 बजे स्टार्ट कर दिया था सेशन को, बट वो रिकनेक्ट नहीं हो पाया था, पता नहीं क्या इशू हो रहा था। अब हमारी क्लास प्रॉपर तरीके से चल रही है, तो अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? तो बात करते हैं हमारे सेशन की। इस सेशन में हम क्या करते हैं, इस सेशन में हम मिलते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, और जो भी स्टूडेंट मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस वो सभी लोग इस सेशन को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ टाइम का ध्यान रखना है। जैसे आज शाम को 5 बजे क्लास हुई है, आज रात को 10 बजे भी आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की क्लास होगी, और उसमें हम क्या करेंगे, व्हील एंड टायर का जो चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे। कल हमने व्हील और टायर का जो चैप्टर है उसे हमने शुरू कर दिया था। साथ ही साथ अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में आपके लिए मंथ ऑफ द जनवरी में एक क्रैश कोर्स भी आएगा। उस क्रैश कोर्स में हम क्या करेंगे, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, उनको हम एज ए क्रैश कोर्स पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उस सेशन में हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट अनअकैडमी से जुड़ना चाहता है, देन यू कैन यूज दिस रेफरल कोड विशाल11, जिससे कि आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और अनअकैडमी की मेरी इस प्रोफाइल को फॉलो करके रखिएगा, ताकि आपको अनअकैडमी में सभी स्पेशल क्लास के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दिस आर द बेनिफिट ऑफ टेकिंग अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन। वहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एसेस टू ऑल कोर्सेज इन जस्ट ए सिंगल सब्सक्रिप्शन। स्ट्रक्चर मैनर में कोर्सेज आपको वहाँ पे मिलते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस जैसे भी इंक्लूडिंग द बेनिफिट हो प्लस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है? चलेगा, तो स्पेशल क्लास आपकी रिज्यूम होगी फ्रॉम द 23rd of December। तो 23-24 तारीख से आपकी स्पेशल क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो उस दिन से मैं आपको स्पेशल क्लास का जो भी डिटेल शेड्यूल है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ओके? और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था हमारा व्हील्स का, ठीक है? तो व्हील्स वाले टॉपिक पर अपने आते हैं, और व्हील वाले टॉपिक में भी हमने कल साइज ऑफ व्हील की हमने बात कर ली थी, एलॉय व्हील और साइज ऑफ व्हील की। तो ये लास्ट टॉपिक अपना चल रहा था। इस पॉइंट में अपने क्या डिस्कस कर रहे थे, इस पॉइंट में अपने डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा व्हील होता है, जो रेसिंग कार का जो व्हील होता है, उसका डायमीटर कम रखा जाता है और उसकी विड्थ ज़्यादा रखी जाती है, ताकि जो सीजी है आपके व्हीकल की वो ग्राउंड के थोड़ा सा पास में आ जाए। और जैसे ही वो ग्राउंड के थोड़ा सा पास में आएगी, तो आपके जो गाड़ी के ऊपर जो एयर का जो ड्रैग लगता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपकी जो गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं व्हील के स्पेसिफिकेशन की। अगर आप अपनी गाड़ी का व्हील का स्पेसिफिकेशन देना चाहते हैं, व्हील की व्हील को चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप जैसे ही किसी शॉप पे जाएंगे तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि हमें इस साइज का, इस डायमेंशन का व्हील चाहिए। तो व्हील का साइज बताने के लिए व्हील का डायमीटर और व्हील की जो विड्थ होती है उसका यूज किया जाता है। और जनरली जो ये साइज होता है वो जो होता है वो इस तरीके से दिया जाता है कि 17 × 8.5। तो यहाँ पे जो डबल कॉमा इसके ऊपर लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इसका जो डायमीटर होगा वो 17 इंच होगा, और जो उसकी विड्थ होगी वो 8.5 इंच होगी। तो आपके व्हील का डायमीटर है 17 इंच और उसकी जो विड्थ है वो हो जाएगी 8.5 इंच, ठीक है? चलिए, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, व्हील की जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस फ्रॉम द बैक ऑफ द व्हील टू द व्हील माउंटिंग सरफेस, उसे हम क्या कहते हैं, बैक स्पेसिंग कहते हैं। और अगर बैक स्पेसिंग को भी अगर लिखना होता है तो आप क्या कर सकते हैं, व्हील के स्पेसिफिकेशन में ही BS लिख के उसके आगे आप कोई नंबर लिख सकते हैं, जो कि क्या करेगा, उस बैक स्पेसिंग को इंचेस में डिफाइन करेगा। और अगर मान लीजिए हम बात करें कि सर व्हील का जो डायमीटर है वो किस हिसाब से लिया जाता है, कहाँ से कहाँ लिया जाता है, टायर के ऊपर से लेके लिया जाता है या फिर व्हील के रिम के ऊपर से लेके लिया जाता है। आपके व्हील का जो डायमीटर होता है गाइस, वो रिम का डायमीटर होता है। तो रिम का जो नॉमिनल डायमीटर हमने जैसे कल हमने देखा था, कहाँ से कहाँ लेते हैं, एक मिनट में आपको बताता हूँ, ठीक है? एक मिनट रुकिए, जो डायमीटर है वो यहाँ से लेते हैं, देखिएगा यहाँ से, इसके ऊपर टायर लगता है आपका पूरा, लेकिन जो डायमीटर है वो यहाँ से लिया जाता है और यहीं से ही आपकी विड्थ ली जाती है। ये वाली जो विड्थ होती है वो कहलाती है रिम की विड्थ।
इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, व्हील का स्पेसिफिकेशन करते हैं। और यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि व्हील का स्पेसिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से व्हील का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, 17 इंटू आपका 7.5 का मतलब ये है कि जो 17 इंच है वो व्हील का डायमीटर है, और जो 7.5 इंच है वो क्या है आपका व्हील का जो रिम है उसका क्या है विड्थ है। तो इस तरीके से आप व्हील का स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप इस स्पेसिफिकेशन को थोड़ा सा गौर करेंगे तो इस स्पेसिफिकेशन में आपके देखिए क्या लिख रखा है, 5 1.5 जे इंटू 15। तो यहाँ पर कुछ अल्फाबेट भी दिए जा सकते हैं, बात आ रही है समझ में, अल्फाबेट। और उन अल्फाबेट का क्या रोल होगा, उन अल्फाबेट का रोल होगा आपकी जो फ्लैंज होती है उसकी जो शेप है वो किस तरीके की है ना, फ्लैंज का जो क्रॉस सेक्शन है वो किस तरीके का है, उसके लिए हम वहां पर क्या कर सकते हैं अल्फाबेट यूज में ले सकते हैं। ऑफसेट आप देख सकते हो कि आपका किस तरीके का ऑफसेट है, इनसेट है, आउटसेट है, पॉजिटिव सेट है, नेगेटिव ऑफसेट है, किस तरीके से, तो वो भी आप ऑफसेट इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ द व्हील। जो सेंटर बोर होता है, ठीक है, द साइज ऑफ होल इन द सेंटर ऑफ व्हील इज नोन एज सेंटर बोर। बोर का मतलब तो आपको पता ही है, होल होता है, ठीक है, सेंटर मतलब सेंटर पे लगता है, तो आपके व्हील के सेंटर में जो होल का जो साइज होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर बोर, वो जो होल होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर बोर, और उसका जो साइज होता है उसे हम सीबी में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दिया होता है आपके एमएम में। और आपका जो व्हील होता है जहां पर उसको माउंट करने के लिए नट वगैरह लगे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लग सेंटर। क्या बोलते हैं, व्हील दैट प्लेस द वेट ऑफ द व्हीकल ऑन द लग नट्स आर कॉल्ड द लग सेंट्रिक एंड रिक्वायर अ सेंट्रल बोर दैट इज सिंपली लार्ज इनफ टू क्लियर द एक्सल हब। लग सेंट्रिक व्हील्स रिक्वायर टेपर और बॉल स्टाइल लग। तो लग सेंट्रिक, हब सेंट्रिक किस तरीके से किया जाता है, तो आप वहां पे हब सेंट्रिक भी उसमें डाल सकते हैं। बोल्ट का पैटर्न किस तरीके का है, जो बोल्ट आपके व्हील के ऊपर लगे हुए हैं वो किस पिच सर्कल डायमीटर पर लगे हैं और कितने नंबर ऑफ बोल्ट उसमें लगे हुए, तो वो भी आप क्या कर सकते हो आपके व्हील के स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने थोड़े पहले स्पेसिफिकेशन देखा था उसमें जेजे लिखा हुआ था, तो उस जेजे का मतलब क्या होता है, देखिए जेजे का मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है आपका जो फ्लेंज है उस फ्लेंज की जो रेडियस है और जो ये विड्थ है, ये सभी की सभी क्या होती है, बी जे जे या फिर जे, इनके सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। अगर जे जे होगा तो जो फ्लेंज की जो हाइट होगी वो होगी आपकी 18.5 और उसमें प्लस माइनस 0.7 mm का टॉलरेंस होगा। जो उसकी विड्थ होगी वो होगी आपकी 13 और जो उसका कर्वेचर का जो रेडियस होगा वो होगा 13 mm। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पर आपको व्हील सेंट्रिक माउंटिंग और हब सेंट्रिक माउंटिंग का डायग्राम मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं, तो उससे आप देख सकते हो कि किस तरीके से व्हील सेंट्रिंग की जाती है और किस तरीके से हब सेंट्रिंग की जाती है। तो ये देखिए, ये जो अगर आपको गैप नजर आ रहा होगा माउंटिंग करने के बाद, तो वो होगा आपका व्हील सेंट्रिक माउंटिंग। क्या होगा, व्हील सेंट्रिक माउंटिंग। अगर आपको कोई भी गैप नजर नहीं आएगा वो होगा आपका हब सेंट्रिक माउंटिंग। क्या होगा, हब सेंट्रिक माउंटिंग। तो ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कौन सा व्हील सेंट्रिक माउंटिंग होता है और कौन सा आपका हब सेंट्रिक माउंटिंग होता है, ठीक है। अब जो व्हील का जो स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, जैसे ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन होता है, लैथ मशीन का स्पेसिफिकेशन होता है, किसी भी चीज का स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है तभी जाके हम उसको शॉप से क्या कर सकते हैं, खरीद के ला सकते हैं। तो जो आपका व्हील का जो स्पेसिफिकेशन दिया जाता है उसमें कई चीजें मेंशन होती है, जैसे उसमें रिम का विड्थ मेंशन होता है, आपकी जो फ्लेंज है उसका शेप क्या है वो मेंशन होता है, प्रोफाइल कैसी है उसकी, रिम का डायमीटर इंचेस में मेंशन होता है, कितना ऑफसेट उसमें दिया गया है, नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने और उसमें क्या पिच सर्कल डायमीटर है। तो इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बेसिकली। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक स्पेसिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा और उस स्पेसिफिकेशन में आपसे पूछा जाएगा कि भैया रिम की विड्थ कितनी है, फ्लेंज की प्रोफाइल कैसी है, रिम का डायमीटर क्या है, कितना उसमें ऑफसेट दिया गया है, कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स यूज में लिए गए और कितना पिच सर्कल डायमीटर है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे 6.5 नजर आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका 6.5 नजर आ रहा है ये होता है आपका रिम का विड्थ 6.5 इंच।
आपके रिम की विड्थ है। जे जे मैंने आपको बता ही दिया फ्लेंज का शेप है 18 mm वाला, ठीक है, उसकी हाइट है, और 13 mm के लमसम उसका क्या है, विड्थ है। उसके बाद लिखा हुआ है 15 का मतलब क्या है, 15 का मतलब है रिम का डायमीटर। बात आ रही है समझ में, 15 का मतलब क्या है, 15 का मतलब है रिम का डायमीटर। उसके बाद है आपका 45 का मतलब है आपका कि आपके कितना ऑफसेट दे रखा है। उसके बाद दे रखा है 5 का मतलब है आपका कितने नंबर ऑफ बोल्ट उस व्हील के ऊपर माउंट किए जाएंगे, 114.3 इसका मतलब है पिच सर्कल डायमीटर, कितना mm पिच सर्कल डायमीटर है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑफसेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑफसेट का मतलब क्या होता है, एक सेकंड रुकना। यहां देखिए ये लाइन आपको नजर आ रही है, अरे बाबू ये वाली लाइन, इसे हम बोलते हैं व्हील माउंटिंग सरफेस। क्या बोलते हैं, व्हील माउंटिंग सरफेस। ये जो बीच वाली लाइन है, ये बीच वाली लाइन है आपकी रिम की सेंटर लाइन, रिम की सेंटर लाइन। अगर व्हील माउंटिंग सरफेस और रिम की सेंटर लाइन एक दूसरे को टच करेगी, एक दूसरे को टच करेगी, अगर सी पॉइंट पर होगा तो उसे हम बोलेंगे जीरो सेट। क्या बोलेंगे, जीरो सेट बोलेंगे। और अगर व्हील की ये जो सरफेस है ये उसको टच ना करते हुए थोड़ा बाहर की तरफ हो, टच ना करते हुए थोड़ा सा बाहर की तरफ हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको नजर आएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव सेट, पॉजिटिव ऑफसेट। और अगर ये वाली जो लाइन है इस सेंटर लाइन को क्रॉस करते हुए इधर आ जाए, सेंटर लाइन को क्रॉस करते हुए इधर आ जाए तो उसे हम बोलेंगे माइनस ऑफसेट। तो यहां पर जैसे क्या रिप्रेजेंट किया गया, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट किया गया। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है यहाँ पे, सॉरी नेगेटिव साइन यहाँ तो ऑफसेट नहीं दिखा रहा ना, ऑफसेट तो यहाँ दिखा होता। अच्छा ये 5 डैश और 114.3 लिख रखा है, अगर 45 के साथ प्लस माइनस होता ना तब वहां पे आपके जीरो ऑफसेट, आपका प्लस ऑफसेट या फिर माइनस ऑफसेट आता। जीरो ऑफसेट होता तो जीरो लिख दो, यहां पॉजिटिव ऑफसेट है, माइनस ऑफसेट होगा तो माइनस ऑफसेट यहां लिख देंगे। ये 5-114 का मतलब है कि ये 5-114 एक सेम डाटा है, मतलब 5 नंबर ऑफ बोल्ट्स है और उस नंबर ऑफ बोल्ट्स में 114 का पिच सर्कल डायमीटर है। पिच सर्कल डायमीटर 114 पर हमने 5 नंबर ऑफ बोल्ट्स को व्हील के फ्लेंज के साथ क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है, डिस्क के, सॉरी नॉट फ्लेंज के साथ, डिस्क के साथ हमने उसको क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। तो यहाँ पे आपको पिच सर्कल डायमीटर नजर आ रहा होगा, दिस इज द पिच सर्कल डायमीटर, ये आपके रिम की विड्थ है और ये जो गोला बना हुआ है ये आपका फ्लेंज है, या फिर हम इसे हम्प कह देते हैं, जिसको व्हील के बीट को जंप करवाना मुश्किल होता है, एक बिल्कुल टाइट फिटिंग आपको मिलती है। और यहां से आपका जो रिम का जो डायमीटर है उसको मेजर किया जाता है, समझ आया। ठीक है, चलिए अब अलग अलग तरीके से स्पेसिफिकेशन दिया हो सकता है, कैसे कैसे दिया हो सकता है, ऊपर वाला स्पेसिफिकेशन पर थोड़ा गौर कीजिए। जब डाटा जो गिवन होता है अगर वो छोटा गिवन हो, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू छोटी हो तो वो इंचेस में होता है, और अगर डाटा थोड़ा बड़ा दे रखा हो जैसे 115 और 80-90 वो mm में होता है। छोटा डाटा इंचेस में रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़ा डाटा आपका mm में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर अगर आपके व्हील में हम बात करें कि स्पेसिफिकेशन में या तो 3.5 लिखा है या 4.5 लिखा है, मतलब डाटा छोटा है, डाटा छोटा इन द सेंस वो होगा विड्थ लेकिन वो होगा इंच में। उसके बाद जो बी लिख रखा है या फिर जे लिख रखा है वो फ्लेंज की प्रोफाइल होती है, हाइट विड्थ और उसका जो रेडियस होता है वो वहां दे रखा होता है। 13 या 14 लिख रखा है उसका मतलब क्या है, 13-14 लिख रखा है उसका मतलब ये है कि वो क्या है, नॉमिनल डायमीटर है। अगर हम बात करते हैं नीचे वाले स्पेसिफिकेशन की, ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, नीचे वाले स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो रिम की प्रोफाइल से पहले
काफी बड़ी बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू लिख रखी है, जैसे 150 हो गया, 105 हो गया, 390 हो गया, 315 हो गया। ये बड़ी वैल्यू इंचेस में पॉसिबल नहीं है कि इतना इंच आपका व्हील का विड्थ होगा, इतना इंच आपके व्हील का डायमीटर होगा, तो इंचेस में वो चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए इट इज जस्ट ए कॉमन सेंस कि जब आपको थोड़ी सी बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू मिला होगा तो बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू में क्या करना होगा, बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू में स्पेसिफिकेशन को देखते समय हमें ये कंसिडर करना होगा। कंसिडर तो क्या करना होगा, बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू एमएम में गिवन होगा, छोटा न्यूमेरिक वैल्यू इंचेस में गिवन होता है, बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू एमएम में गिवन होता है। तो एमएम में भी स्पेसिफिकेशन दिया जा सकता है, इंचेस में भी स्पेसिफिकेशन दिया जा सकता है, दैट इज बेस्ड ऑन योर, अगर हम बात करें अटेंशन कि आप उस स्पेसिफिकेशन को कितना ध्यान से देख रहे हैं। छोटा वैल्यू होगा इंचेस में, बड़ा वैल्यू होगा एमएम में, ये चीज आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ओके, और इस तरीके से हम व्हील का क्या कर देते हैं, स्पेसिफिकेशन कर देते हैं, सही है। चलिए अब हम बात करते हैं व्हील की बैलेंसिंग करना। तो व्हील की दो बैलेंसिंग की जाती है, एक तो होती है स्टेटिक बैलेंसिंग, एक होती है डायनेमिक बैलेंसिंग। तो व्हील में वाइब्रेशंस बिल्कुल ना हो, आपके व्हीकल तक वाइब्रेशंस बिल्कुल ना पहुंचे, इसलिए व्हील की क्या की जाती है, बैलेंसिंग की जाती है। बैलेंसिंग क्यों की जाती है, वाइब्रेशंस क्यों होता है, वाइब्रेशंस होने के पीछे का जो रीजन है वो है अनबैलेंस्ड मास। क्या है आपका, अनबैलेंस्ड मास है। तो अगर आपके व्हील में कोई अनबैलेंस्ड मास होगा तभी क्या होगा, वाइब्रेशन होगा ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर बार बदलेगी, जब रोटेट हो रहा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन हर बार बदलेगी। क्यों यूनिफॉर्म मास नहीं होता, क्यों इनहोमोजिनिटी होती है, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी डेंसिटी हर पॉइंट पर सेम नहीं होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक ए प्रोडक्ट जो कि कंप्लीटली होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब उसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक समान रूप से वितरित हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो सीजी होता है वो ज्योमेट्रिक सेंटर पर ना होकर उसके ऊपर नीचे कहीं पर होता है। तो जब सीजी अपने ज्योमेट्रिक जगह नहीं होती है, कहीं ऊपर नीचे होती है, तो उस केस में क्या होता है, वाइब्रेशंस होता है, और उस वाइब्रेशंस को कम से कम करने के लिए जो व्हील की जो बैलेंसिंग होती है वो की जाती है। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द रीजन जिसके कारण व्हील की बैलेंसिंग की जाती है। अगर हम बात करते हैं कि भैया व्हील के अंदर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके इम्बैलेंस होने के पीछे का क्या क्या कारण है, सबसे पहला कारण यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया है कि आपका व्हील प्रॉपरली एक्सल पर अगर माउंट नहीं होगा तो उस केस में भी अनबैलेंस्ड रहेगा। क्या रहेगा, अनबैलेंस्ड रहेगा। और अगर आपका व्हील बकल्ड व्हील रिम है, मतलब उसमें थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन हो रखा है, तो भी उस केस में सीजी चेंज हो जाती है। जो टायर है, जो टायर की जो ट्रेड है वो अगर नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग ही डिफेक्ट है, तो उस केस में वो इफेक्ट भी व्हील पर देखने को मिलता है। अगर एक तरफ से ज्यादा घिसाव हो जाता है, एक तरफ से कम घिसाव हो जाता है, तो भी जो अनबैलेंसिंग है व्हील में वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये घिसाव वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। साइड वॉल अगर आपकी स्क्रैप हो जाती है, अगर हवा ज्यादा भरी हो या फिर कम भरी हो, तो उस केस में भी जो वियर होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। हवा अगर ज्यादा भरी होती है तो ट्रेड्स के बिल्कुल सेंटर में वियर होता है, हवा अगर कम भरी होती है तो आपकी जो ट्रेड्स होती है उसके कॉर्नर्स पर, उसकी पेरिफेरी पर ज्यादा वियर होता है। तो उस केस में नॉन यूनिफॉर्म वियर होने के कारण जो मटेरियल का जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण व्हील की बैलेंसिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती। क्लियर है, तो हमें क्या करना पड़ता है, व्हील की बैलेंसिंग करनी पड़ती है। अब हम अगर बात करते हैं कि बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए, मान लीजिए अगर कोई पत्थर ऐसे घूम रहा है, तो पत्थर जब बाहर की तरफ ऐसे घूमेगा तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सिमिलरली जब व्हील आपका घूमता है तो उस केस में अगर कोई अनबैलेंस्ड मास होता है, अनबैलेंस्ड पॉइंट होता है जहां पे पूरा का पूरा व्हील का मास एक्ट करता है, अगर वो थोड़ा सा भी सेंटर से ऊपर या नीचे होगा तो जैसे ही व्हील घूमेगा उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस टाइम कार्य करने लगेगा। अब उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण व्हील क्या होगा, अनबैलेंस्ड रहेगा। अगर मैं आपको एक तरफ ही खींचता रहूं
तो आप अनबैलेंस्ड हो जाओगे। बैलेंस करने के लिए मुझे दोनों तरफ से बराबर रूप से खींचना पड़ेगा। तो इसलिए व्हील की बैलेंसिंग करने का भी यही फंडा है। जिस डायरेक्शन में व्हील अनबैलेंस्ड रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसे हम बैलेंस कर सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग कृष्णकांत जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। So when heavier region of the wheel entire assembly revolve causes centrifugal forces which exert an outward rotating pull on the supporting axis and bearings. The magnitude of this outward pull is directly proportional to the magnitude of the balanced mass and the square of the wheel rotational speed and inversely proportional to the radius mv square by r. ठीक है, ये आपने देखा होगा। जो centrifugal force होता है वो होता है mv square by r। ठीक है, तो ये मास के प्रोपोर्शनल होता है, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो बैलेंसिंग की जाती है, एक तो होती है स्टैटिक बैलेंसिंग, एक होती है डायनेमिक बैलेंसिंग। ध्यान से सुनिएगा, एक होती है स्टैटिक बैलेंसिंग, एक होती है डायनेमिक बैलेंसिंग। स्टैटिक बैलेंसिंग में हम कुछ नहीं करते हैं। स्टैटिक बैलेंसिंग में जिस प्लेन में आपका व्हील रोटेट करता है उसी प्लेन में हम बैलेंसिंग कर देते हैं। डायनेमिक बैलेंसिंग में क्या होगा, जिस प्लेन में आपका व्हील रोटेट करता है उस प्लेन के साथ साथ अनबैलेंस्ड प्लेन में हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, अगर सेम प्लेन में प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन में बैलेंसिंग होती है उसे हम स्टैटिक बैलेंसिंग बोलते हैं, अगर मोर देन वन प्लेन में बैलेंसिंग होती है उसे हम बोलते हैं डायनेमिक बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं? डायनेमिक बैलेंसिंग बोलते हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इसको प्रॉपरली आपको समझने की कोशिश करनी है। अब ध्यान से समझिए, ये आपको स्टैटिक बैलेंसिंग का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, थ्योरी तो आपको मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लो, थ्योरी की तो बाद में देखेंगे, पहले ये सीखते हैं कि भैया इसकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है ना। अब नाउ सी, ध्यान से देखो इसको। ये मान लीजिए आपका व्हील है और इसमें यहां पर हैवी पोर्शन है। कैसा पोर्शन है? हैवी पोर्शन है। क्लियर है? कैसा पोर्शन है? हैवी पोर्शन, हैवी स्पॉट। अब जब ये व्हील घूमेगा तो व्हील के घूमने के कारण क्या होगा? व्हील के घूमने के कारण क्या होगा बता सकता है कोई? एक अनबैलेंस्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। ये बात समझ में आई? और यही लाइन मैंने यहां लिख रखी है। देखो, द स्टैटिक व्हील इम्बैलेंस इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय माउंटिंग ए व्हील एंड टायर असेंबली ऑन ए हब ऑफ ए व्हील बैलेंसिंग मशीन। द असेंबली इज स्पन अराउंड बाय द हैंड एंड रिलीज्ड। द व्हील स्पिन फॉर ए फ्यू टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंटम गेन्ड बिफोर इट स्टॉप्स मोमेंटरली एंड देन स्टार्ट्स टू ऑसिलेट टू एंड फ्रो विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड अंडर इट कम्स रेस्ट। व्हील को हमने माउंट कर दिया। व्हील को माउंट करने के बाद हम क्या करेंगे बाबू? व्हील को हाथ से घुमाएंगे। व्हील को अगर हम हाथ से घुमाएंगे तो व्हील थोड़ी देर घूमेगा। उस लाइन का मतलब ये, व्हील थोड़ी देर घूमेगा। व्हील के घूमने के बाद व्हील की स्पीड धीरे धीरे कम होगी और जस्ट इमेजिन, जहां पर हेवियर पोर्शन होगा उस हेवियर पोर्शन की जो पोजीशन होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी अपने आप ही, और ऑसिलेट होता 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 वो धीरे से रुक जाएगा। अब हमें पता चल गया कि हेवियर पोर्शन भैया व्हील के नीचे है, और जब हेवियर पोर्शन व्हील के नीचे है तो उसको बैलेंस करने के लिए ठीक उसके अपोजिट में, ठीक डायमेट्रली अपोजिट में
हम एक बैलेंस वेट लगाएंगे। तो अब दूसरी लाइन समझो, इफ द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द टायर इज मार्क्ड विद द चाक एंड इज नाउ टर्न इन द वन डायरेक्शन टू सर्टेन एंगल देन रिलीज इट इमिडिएटली कमेंसेस अ टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन अंटिल कमिंग टू द रेस्ट विद द चाक मार्क एट द लोवेस्ट पॉइंट। हमें पता चल गया था कि व्हील में अनबैलेंस्ड मास नीचे की तरफ है, चोक लगा दो, एक बार वापस कंफर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हिलाए छोड़ दिया, वापस ऐसे 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 होते हुए वही डूब जाएगा। अब हम ये कंफर्म कर लेंगे भैया हमारा जो हेवीएस्ट पोजिशन है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो हमेशा डाउनवर्ड बॉटम साइड में रहेगा, लोवेस्ट पोजिशन पे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैग्नेटिक वेट, चुंबकीय वेट हम व्हील के अपोजिट डायरेक्शन में चिपकाएंगे। देखो स्मॉल मैग्नेटिक वेट इक्विवेलेंट टू आउट ऑफ द बैलेंस मास इज प्लेस्ड ऑन द व्हील डायमेट्रिकली अपोजिट, पीछे लिख रखा डायमेट्रिकली अपोजिट टू द हेवियर साइड ऑफ द व्हील। जिस पॉइंट पर हेवियर साइड होगा उसके ठीक अपोजिट में हम क्या करेंगे, बैलेंस्ड मास लगा देंगे। अब हम व्हील को रोटेट करेंगे किसी भी पोजिशन पे, अब हम व्हील को रोटेट करेंगे सेम पोजीशन पे। नाउ इफ द व्हील इज रोटेटेड टू एनी अदर पोजीशन इट रिमेन्स एट द रेस्ट इन दैट पोजीशन, घूमने के बाद वो उसी पोजीशन में आना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाता है, हमें आइडिया थोड़ी ना अनबैलेंस मास कितना है, थोड़ा सा अंदाजा लगा के लगाएंगे 100 ग्राम 50 ग्राम 60 ग्राम 70 ग्राम। अब हमें यह भी तो चेक करना पड़ेगा हमने जो मास लगाया है वो ज्यादा है या कम है, ये भी तो पता लगाना पड़ेगा। ये पता लगाने के लिए बैलेंस मास लगाने के बाद हम किसी भी पोजीशन में उसको रोटेट करते हैं, अगर वो ठीक उसी पोजीशन पे आता है भैया तो भैया वो पूरा बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा इधर या उधर मूवमेंट होता है, थोड़ा सा स्लाइटली राइट में चला गया या फिर थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट में चला गया, चोक से लगाया हुआ निशान, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो बैलेंस मास लगाया वो है कम, थोड़ा सा और बैलेंस मास लगाओ। और अगर व्हील पहले की तुलना में ज्यादा तेज ऑसिलेट करता है, पहले तो व्हील ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, अब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, तो उस केस में बैलेंस मास ज्यादा है। तो कम कब होगा, जब थोड़ा सा इधर उधर डिस्प्लेस हो जाए, ज्यादा कब होगा, जब ज्यादा तेज ऑसिलेट करने लग जाए। तो अगर कम होगा तो हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ज्यादा होगा तो थोड़ा हम कम कर देंगे, और ऐसे थोड़ा कम ज्यादा करते करते चेक करते हुए हम प्रॉपरली उसको बैलेंस कर देंगे उसके सेम प्लेन में। वंस द करेक्ट बैलेंसिंग इज डन द वेट इज ऑब्टेन्ड एंड द मैग्नेटिक वेट इज रिप्लेस्ड विद द क्लिप इन वेट ऑफ द सिमिलर मास। तो मैग्नेटिक वेट को हटाएंगे, दूसरा वेट लगा के उसको हम उस पर क्लिप कर देंगे, ठीक है। और नाउ ये क्या है, एक तरीके का हिट एंड ट्रायल मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें एरर भी होती है ना। तो जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, जितने ज्यादा आपने व्हील स्टैटिकली बैलेंस किए होंगे, आपको उतना अच्छा आइडिया मिलेगा। तो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें बहुत ही ज्यादा आपको चाहिए रहती है, क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। कोई डाउट नहीं है, सही है? चलिए शाबाश, वेरी गुड। नाउ तो ये मैंने आपको यहां पे बता दिया, ठीक है। एज ए स्टेटिकली अनबैलेंस्ड व्हील एंड टायर रोटेट्स ऑन ए फिक्स सर्कुलर पाथ अराउंड इट एक्सिस द हेवियर साइड ऑफ द व्हील पुल रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमने चर्चा कर ली है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। इन केस ऑफ द स्वाइवल पिन द सेंटर ऑफ द अनबैलेंस्ड मास आर ऑफसेट टू ईच अदर एंड इफ हैवी स्पॉट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन पॉइंटिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इन फ्रंट ऑफ द व्हीकल देन मूवमेंट ऑफ द फोर्स इज प्रोड्यूस्ड एम इज इक्वल टू एफ इनटू आर विच टेंड्स टू ट्विस्ट द स्टब एक्सल एंड द व्हील असेंबली इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज कंपेयर टू द एज गिवन इन द शोन फिगर। नाउ अगर हमने उसको किसी प्लेन में बैलेंस किया है, अगर वो उस प्लेन में प्रॉपरली बैलेंस नहीं होगा, किसी एक्सिस से थोड़ा सा आगे या अंदर की तरफ होगा, तो उस केस में एक कपल प्रोड्यूस होगा जो कि उस व्हील के जो व्हील को है उसको क्या कर देगा, ट्विस्ट कर देगा, अंदर या बाहर की तरफ ट्विस्ट कर देगा। बात आई समझ में?
अरे कहाँ गई वीडियो। अच्छा थ्योरी मशीन प्लस में पढ़ाता क्या कृष्णकांत जी? कोई दिक्कत नहीं भैया, बहुत बढ़िया बात है वैसे। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपकी पिन है और यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड मास का क्या हैवियर स्पोर्ट है, तो इस पिन और इस बैलेंस मास के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है। तो अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ कार्य करेगा तो अभी इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मूवमेंट क्रिएट होगा जो कि इसकी एक्सल को क्या कर देगा, ट्विस्ट कर देगा। एंड ये मूवमेंट क्या है आपका, एफ इंटू आर। इस तरीके से आपको एंटी क्लॉकवाइज ही नजर आएगा। क्लियर? तो ये लाइन है आपकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एज द व्हील रोल्स फॉरवर्ड इन द फर्दर हाफ टर्न, जब आपका हाफ टर्न कंप्लीट हो जाएगा और बैलेंस्ड मास नीचे की तरफ आ जाएगा, तो जब बैलेंस्ड मास नीचे की तरफ आ जाएगा तो नीचे की तरफ आने से स्पिन और इसके बीच में रेडियस होगी आर, सॉरी डिस्टेंस होगा आर। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा। तो जब अनबैलेंस्ड मास ऊपर की तरफ होता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट, अनबैलेंस्ड मास नीचे की तरफ होता है इन द सेंस मतलब पीछे की तरफ जब होता है तो वो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट। तो आपका व्हील ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमें पता चल जाएगा भैया कि हमारा जो व्हील है वो डायनेमिकली अनबैलेंस्ड है, उसका जो प्लेन है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है। तो देयर फोर विद ए स्टेटिकली अनबैलेंस्ड टायर द स्टब एक्सल ट्विस्ट अबाउट इट्स पॉइंट एवरी टाइम व्हेन द हेवियर साइड कंप्लीट हाफ साइकिल बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट इन द हॉरिजेंटल प्लेन। नाउ द ऑसिलेशन दस प्रोड्यूस आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ शॉक्स टू द स्टीयरिंग व्हील्स। जब ऐसे 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 ऑसिलेशन होगा तो जो भी वाइब्रेशन है वो स्टीयरिंग व्हील के थ्रू आपको फील होने लगेंगे, और जैसे जैसे वो व्हीकल की स्पीड इंक्रीज होगी वो जो उसमें जो वाइब्रेशन है वो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। और अगर आपका व्हील का वेट ज्यादा होगा, अनस्प्रंग मास ज्यादा होगा, तो भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, और ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा और ज्यादा फोर्स होगा और ज्यादा वाइब्रेशन होगा, ज्यादा वाइब्रेशन ज्यादा फ्रिक्वेंसी। और अगर हम क्रिटिकल स्पीड पर आ गए तो भैया रेजोनेंस की कंडीशन में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तब हम क्या करेंगे, रेजोनेंस कंडीशन में पहुंच जाएंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस व्हील में ये जो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? और कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कम करने के लिए हमें डिफरेंट प्लेन में एक बैलेंस मास वहां पे लगाना पड़ेगा। इसमें डिफरेंट प्लेन में हमें वहां पर एक बैलेंस मास लगाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए आप, मान लीजिए ये आपका हेवियर स्पोर्ट है। अभी ये क्या करेगा, देखो हेवियर स्पोर्ट कौन सा कंसिडर करें, चलिए मान लीजिए, सुनिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हेवियर स्पोर्ट से मत समझिए। आप मान लीजिए यहाँ कोई हेवियर स्पोर्ट था जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लगा रहा था। अब इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए। यहाँ पे कोई हेवियर स्पोर्ट था जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लगा रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने इसने हेवियर स्पोर्ट मेंशन नहीं किया तो दिक्कत होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हमने क्या किया है, कपल हो जाएगा एफ इंटू एक्स, ये तो कोई दिक्कत नहीं है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन ऊपर तो एंटी क्लॉकवाइज था ना। मेरे हिसाब से बी पॉइंट इन्होंने लिया है, चलो तो कोई बात नहीं। चलिए ये देखिए, फिगर ए बी एंड सी इलस्ट्रेट्स द इफेक्ट्स ऑफ द ऑफसेट स्टैटिकली बैलेंस्ड मासेस व्हेन हैवी स्पोर्ट्स एंड द बैलेंसिंग वेट आर इन हॉरिजेंटल प्लेन। अच्छा, तो एक हेवियर स्पोर्ट है और एक बैलेंसिंग मास है, उनके बीच में हम डिस्टेंस चेंज करेंगे। ठीक है, तो भैया एक बात ध्यान से सुनो, अगर मान लीजिए आपका अनबैलेंस्ड मास उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो
हम बैलेंस मास इस तरीके से लगाएंगे कि उन दोनों का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में हो, जिससे कि वो एक दूसरे को बैलेंसिंग कर लेंगे। 100 बातों की ये बात है। ज्यादा इसमें घुसने की कोशिश करोगे तो दिक्कत ही होगा, इसमें ज्यादा मत घुसिए, ठीक है। पढ़ाने को वैसे तो मैंने पढ़ा रखा है ना, इसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है वैसे आप पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी सिंपली ध्यान रखिएगा, स्टैटिक बैलेंसिंग में सेम प्लेन में बैलेंसिंग की जाती है और डायनेमिक प्लेन में दो अलग अलग प्लेन में बैलेंसिंग की जाती है। डायनेमिक बैलेंसिंग क्यों की जाती है? क्योंकि जब जो हैवी स्पोर्ट होता है वो किंग पिन के अबाउट आपके व्हील को रोटेट करवाने की कोशिश करता है, तो जब वो ऊपर की तरफ होता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराएगा, जब वो नीचे की तरफ होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। ऊपर नीचे का इन द सेंस है कि जब हम उसको ऊपर की तरफ से टॉप व्यू देखते हैं, तो इस तरीके से व्हील आगे पीछे होता रहता है, जिसके कारण वाइब्रेशन आपके स्टेयरिंग पर पहुंचते हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले अनबैलेंस मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले अनबैलेंस मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैलेंसिंग मास के द्वारा एक कपल प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि इस डायग्राम में आपको दे रखा है। यहां पर क्या होगा, इन्होंने हेवी स्पोर्ट लिखा नहीं है, नहीं तो यहाँ पता चल जाता कौन सा हेवी स्पोर्ट है। मान लीजिए ये हेवी स्पोर्ट है और ये आपका बैलेंस्ड मास है, तो इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, तो इन दोनों के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, तो एक कपल क्रिएट करेंगे जो कि अनबैलेंस्ड कपल को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। नजर आ रहा है इस डायग्राम में, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और जब ये वाला पोर्शन घूम के हाफ टर्न लेके ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन घूम के नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में आगे पीछे की तरफ, तो इनके मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिस तरीके से अनबैलेंस्ड हैवी मास के मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही थी। तो जिस तरीके से अनबैलेंस्ड मास के मूवमेंट की भी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, उसी तरीके से बैलेंस मास जो हम लगाते हैं उसके मूवमेंट की भी डायरेक्शन चेंज होती है, जो कि ठीक एक दूसरे के अपोजिट होती है, और जिससे आपका व्हील क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। ओके, हेलो सज्जन सिंह पीपल जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। और अभी रात को भी आपकी क्लास होने वाली है, जिसमें अपने व्हील का जो टॉपिक है उसको हम शुरू कर कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर और एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके बाद हम टायर जो होता है उसका जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो व्हील एंड टायर में भी पॉसिबली आपके एक या दो क्लास में और पूरे कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद हम ब्रेकिंग सिस्टम को शुरू करेंगे। तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसको इंस्टॉल करने के बाद अपना गोल चूज कीजिएगा, एसएससी जेईई एंड स्टेट एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट विशाल शर्मा सर्च करके मेरी अनअकैडमी के प्रोफाइल को फॉलो करके रखिएगा, ताकि आपको सभी स्पेशल क्लास के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें, और अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के ये आपको वहाँ पर बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एसेस, स्ट्रक्चर मैनर में कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं। इसके साथ साथ आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है आपसे कोई इनविटेशन कोड पूछा जाए, तो इनविटेशन कोड आप यूज़ में ले सकते हैं विशाल 11, और जैसे आप विशाल 11 इनविटेशन कोड यूज़ में लेंगे, आपके जितने भी अनअकैडमी के फ्री प्लान हैं सारे के सारे आपके अनलॉक हो जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं फॉर MBSA एग्जामिनेशन मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर, उनके लिए जनवरी में क्रैश कोर्स आने वाला है, तो उसके लिए आप SSC JEE और स्टेट ए की कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 10% जब डिस्काउंट प्राप्त करना होता है, तो आप विशाल 11 रेफर कोड यूज में ले सकते हैं। दिस इज द इनिशिएटिव बाय द अनअकैडमी, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, नो कॉस्ट EMI के थ्रू भी जो आपकी फीस है उसको आप पे कर सकते हैं विदाउट गिविंग एक्स्ट्रा चार्ज, और ये आपका रिपोर्टेंट भी। तो अगर आप अनअकैडमी के किसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं और आपको कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप अनअकैडमी को दे सकते हैं। अगर आप पहले लर्नर होंगे उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने वाले अनअकैडमी को, तो अनअकैडमी की तरफ से आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रोफाइल फॉलो करके रखिएगा टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ स्पेशल क्लासेस। और अब मैं आप सभी लोगों से अलविदा चाहता हूँ, मिलते हैं रात को 10 बजे वाली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की क्लास में।
तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।